उनसे मिल करके अपनी बात को बताना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं जा पाएंगे। हम बातें हमें अपनी बतानी पड़ेगी, लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, उनके जवाब देने पड़ेंगे, और इन सब को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरत है वह है लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, और लर्निंग तभी सर आएगी जब हम प्रॉपर मीटिंग में आते हैं। और अपने क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन में है, लेकिन जब नई चीज़ सीखना होता है तो किसी को दूर रहना पड़ता है, किसी न किसी के अंडर में रहना पड़ता है, तो हमें सीखने की जरूरत है। और सीखने के लिए कोई भी हो जो आपका अपलाइंट है उससे बात करिए, मीटिंग में आइए, और मीटिंग में आने के बाद बातों को ध्यान से सुनिए, डायरी देखते आइए, डायरी में कुछ बातें नोट करिए। अक्सर होता है कि अभी यहाँ पर सबके पास डायरियाँ नहीं है, यूज़ नहीं की जा रही है, जबकि अन्य जगह ऐसा देखा गया था कि बिना डायरी के बैठने पर भी लोग टोकते थे, भाई आपकी डायरी कहाँ है, जन्म कहाँ है, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी जी सर, सीखने आए और किस व्यक्ति ने क्या बात बता दिया इसका कोई भरोसा नहीं है, दूसरी बात आती है डुप्लीकेशन। यहाँ आपको डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना पड़ेगा सर, और डुप्लीकेट आप किसको करेंगे, डुप्लीकेट आपको करना पड़ेगा जो आपसे सीनियर है, आपका ग्रेट अपलाइन है, जो सक्सेस पर्सन। अब सवाल उठता है कि मैं किस चीज़ का डुप्लीकेशन करूं? डुप्लीकेशन करने के लिए बहुत कुछ जवाब है। डुप्लीकेशन हो गया वो किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, उनके आपस की बातचीत का दायरा क्या है, उनका ड्रेस कोड क्या है, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मायने रखता है। जहाँ तक मैंने आपसे किया, अच्छी बातों को आप डुप्लीकेट करिए, जो अच्छी बातें नहीं है उसको जितना मैक्सिमम मैं अपने अपलाइन को डुप्लीकेट कर ले जाऊंगा उतना मैं आगे बढ़ूंगा, पक्का, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। अब ये नहीं है कि डुप्लीकेट करने के चक्कर में दिन भर अच्छे से मीटिंग हो रही है और शाम के समय जब बैठते हैं तो थोड़ा ठेके पर नहीं, वो चीज़ आप डुप्लीकेट मत करें कि कहीं खड़े होकर के पान गुटका पर्सनली सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ मीटिंग की बात हो, जहाँ लोगों की बात हो, या हम किसी का प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे कोई चीज़ खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि आप किस प्रोफेशन से हैं और क्या कर रहे हैं। तो हमारी बातचीत कराया, हमें सीखना पड़ेगा, यहाँ से भी सीखिए, और हो सके तो यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज रहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते हैं, वहाँ से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, होती है, बड़े बड़े लीडर हमने सुना है कि मोटिवेशन उनको न दिया जाए तो डीमोटिवेट हो जाते, ऐसा होता है और जो स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य है तो ऐसा होगा। इसीलिए हमें जो फ्रेंड सर्किल बनानी पड़ेगी वो पॉजिटिव होगी, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी निगेटिव है तो आप उसको हटिए, उसको मत हटाइए, स्वयं उससे हटिए, क्योंकि उसको नहीं हटा सकते, और किसी और को चेंज मत करिए, स्वयं को चेंज करिए। अगर हम अपने आप को स्वयं चेंज कर लेते हैं तो शायद इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं। इसमें देखा गया है कि डुप्लीकेशन नहीं किया चीज है, नहीं कुछ नहीं, जो हम सक्सेस पर्सन है उसने क्या किया है, मैं उससे वो चीज ले लूँ और आगे उसको अप्लाई करूँ। जो हमारे साथ में नए व्यक्ति आ रहे हैं, नए साथी आ रहे हैं, मैं अपने नए साथी को कैसे तैयार करूं, ये मेरी जिम्मेदारी, उनको यहाँ ला करके यहाँ खड़ा किया जाए, उनके साथ में खड़े होकर के बात करें, क्योंकि उस समय आप एक अध्यापक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं वैसे आप उसको सीखें, अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलता रहे। जहाँ तक मेरा मानना है किसी के अंदर कमी नहीं होती, उसके अंदर पावर है सर जी, बस केवल पावर को आपको मतलब पुश करना, पावर पहले से मौजूद होती है,
जो कुछ करना है उसको आगे चलाना है। कोई बच्चा देखा जाए तो जन्म से कहा जाए कि वो निर्गुण नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, उसको अगर धीरे धीरे सिखाया जाए तो बहुत कुछ सीख सकता है। सवाल यह है कि मैं उसके साथ कितना, बहुत लोग होते हैं ज्वाइनिंग करा देते हैं, ज्वाइन हो गया, मिलते नहीं, छोड़ देते हैं, समय मिला तो मिले, समय मिला तो नहीं मिले, आप उसके लिए टाइम निकालिए, टाइम निकाले बिना टाइम निकाले वो आपके साथ होते ही नहीं। इसी में एक सर और पॉइंट बचता है, वो है लास्ट में कि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी आसानी से हम सक्सेस ले जाएंगे, लेकिन रियल मानिए कि अगर आप आसानी से सक्सेस ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पास बताने के लायक कुछ होता है, क्या बताएंगे, तो वो सक्सेस आपकी मेहनत का नहीं होगा, किसी के द्वारा दिया गया होगा, यानी किसी ने आपको सक्सेस कराया, वो लग रहा है चांस, तो चांस की बात है कि सर ने अच्छी टीम आपको क्रिएट करके दे दी और आप सक्सेस हो, लेकिन आप स्टेज पर खड़े होकर के कभी नहीं कह पाएंगे कि मैंने इतना इसमें झेला है, इतनी तकलीफें इसमें हमने झेला है, तब हम इस स्टेज पर पहुँचे। इसलिए अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करिए, वो झेलिए, वो प्रॉब्लम्स आप अपने आप पर अप्लाई करिए, तब जाकर के शायद आप स्टेज पर बताने लायक हो जाएंगे और तब आपको कोई काफी करेगा। आपको काफी कोई क्यों करेगा, काफी करने के लिए कुछ होना चाहिए सर जी, और शायद सर हमने जो आग्रह किया है, सर आप ही अध्यापक हैं, मैं भी उसी से अध्यापक ही हूँ, बच्चे अध्यापक को बहुत काफी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों को हम लोग नहीं पढ़ाते हैं वो भी हमें काफी करते हैं, हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नहीं पढ़ा रहे तब भी छोटे बच्चे भी काफी करते हैं, और किस तरह से हम स्कूल में रखते हैं कि सर एक स्कूल ही है, हमारे क्लास एक क्लास ही है, यहाँ हम लोग बसरते कोई यहाँ पर छात्र नहीं, और माना जाए तो छात्र भी है, यहाँ सभी छात्र हैं, सभी अध्यापक देखा है सर, सही है सही है, सभी छात्र हैं और सभी अध्यापक हैं, जो कि सब मैच्योर हो चुके हैं और अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं, मुझको क्या करना है। तो शायद अगर आप तीन चीज़ें ले लें, लर्निंग ले लें, डुप्लीकेशन करना शुरू कर दें, और डुप्लीकेट सर जी उसी को करिएगा जो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा बुरा तो पता चलेगा, तो अगली सजेशन को क्या चाहिए आपके अंदर उस बात का आधार, यदि आपके अंदर वो नहीं है तो उसको पता है, और ये सोचिएगा कि सक्सेस होने के बाद मेरा उदाहरण क्या बनेगा, मैं लोगों के लिए क्या उदाहरण पेश कर पाऊँगा। इसलिए कहा गया है कि लीडर्स लीड्स बाई एग्जाम्पल, आप ऐसा लीडर बनिए कि एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, लोग आपका उदाहरण दें, जैसे अर्जुन सर का उदाहरण देते हैं लोग, भाई स्पीच करते हैं तो जबरदस्त करते हैं, मैं मानता हूँ कि ऐसा तो कोई नहीं अभी कर पा, सिंघानिया भी है खड़ा हो जाए, पक्का है कि ऐसी जबरदस्त स्पीच किसी की नहीं, आवाज के बाद सामने वाला काम जाएगा, हाँ, और अगर आवाज बोल भी रहे हैं तो माइक की जरूरत नहीं, ऐसे होना चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो हम अपनी बातों के लिए सॉल्व करते हैं, आपने हमको इतनी देर सुना, इतना झेला, इसके लिए आपको